हेलो एस्पीरियंस, वेलकम बैक टू अ न्यू अनदर वीडियो, न्यू सीरीज ऑफ स्टडीज। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ क्वाइट प्रोडक्टिव, बिकॉज मैं सिर्फ इस ब्लॉग में सिर्फ स्टडी दिखाने वाली हूँ, बिकॉज मैंने कुछ ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है स्टडी के अलावा। सो यहाँ पे मैं पहले अपने बुक कॉपीज़ में स्कूल का और जो घर का कॉपीज है उसमें नाम लिख रही थी, बिकॉज अगर खो गया लाइक और सब लिखते हैं तो मैं भी लिख रही थी। और लिखने के बाद तो मैंने सब लिख लिया, अब मैं ग्रामर स्टडी करने बैठ ली थी। एक्चुअली मैं जिस सब्जेक्ट में वीक हूँ मैं उस सब्जेक्ट में ज़्यादा जोर देती हूँ, मैं ग्रामर में थोड़ा सा वीक हूँ। लाइक टेंस का पार्ट मेरा अच्छे से है, बट जो अलग पार्ट है उससे, तो मैं ऐसे पढ़ रही थी फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते पढ़ते मैंने उसके बाद एक्सरसाइज की, पहले मैं सारी एक्सप्लेनेशन देख रही थी, समझ रही थी, उसके बाद पढ़ा, बिकॉज पहले कॉन्सेप्ट समझ के उसके बाद ही आंसर्स क्लियर किया जा सकता है। और एक चैप्टर को आई गेस बहुत बार रिविजन करने के बाद ठीक होता है। तो मैं यहाँ पे कर रही थी सारे मैथ ग्रामर, देन मैंने उसके बाद ही उसके अगले दिन ही मुझे स्कूल जाना था, तो उसके लिए भी मुझे बैकपैक करना था और वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई बिकॉज मेरे फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं था। तो या मैं इसे कोल्ड कॉफ़ी खाते खाते इसे रिकॉर्ड कर रही थी। या आई लव कोल्ड कॉफ़ी एंड देन बैग, जो कि मैं अनपैक कर रही थी, यहाँ से पाउच, सैनिटाइजर, सैनिटरी बैग, टिफिन, हाइलाइटर्स एंड ये सब निकले, तो मैंने आप सबको दिखाया भी। और ये थे सारे स्कूल के बुक्स जो कि मेरे रूटीन में था और मैं ले गई थी। तो इन बुक्स में मुझे होमवर्क भी मिला था जो कि मैं अभी करने वाली हूँ कहूँगी, बिकॉज बाद में अलग होमवर्क करूँगी तो ये सारे होमवर्क भूल जाऊँगी और नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल जाऊँगी तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए आई एम डूइंग इट राइट नाउ। एंड साइंस का था, साइंस के हमें जो क्रॉप मैनेजमेंट का चैप्टर था पहले ही अलग मिक्सिंग से 50 क्रॉप्स अलग लिखने को कहा था, तो मैं वही 50 अलग अलग क्रॉप्स लिख रही थी। तो या तो मेरे अगर मैं दो पाउच, एक स्कूल के लिए और एक घर के लिए, बिकॉज घर में गंदा हो जाता है पाउच और स्कूल में गंदा पाउच नहीं जाना चाहती, तो इसलिए तो मैं करने बैठी थी। आई वॉज एग्जॉस्टेड बिकॉज उसके जो रात था अगले दिन येस्टरडे का रात को मैंने सिर्फ 4 घंटे की नींद ली थी और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, लाइक टायर्ड हो गई थी, फिर भी ठीक है चलता है पढ़ने के लिए तो करना ही पड़ता है, तो मैं वही कर रही थी। तो 50 क्रॉप्स के पहले डेफिनेशन लिखने थे तो मैंने सबके लिए लिख लिए, आई मीन 50 क्रॉप का ही डेफिनेशन लिखना था तो मैंने वो सभी लिख लिए। देन या एंजॉय द ब्लॉग एंड टाइमलेस विथ मी। एंड या इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट किस टॉपिक पे मैं हमेशा करूँ वीडियो, या किस पार्टिकुलर चैप्टर, या मेरे रिव्यूज बुक के कौन से बच्चे होंगे 8 के लिए आगे जाके बोर्ड्स के लिए, तो यू कैन से मी आई कैन मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं उसमें वीडियो बना दूँगी, सो यू कैन टेल मी। तो या हाँ, मैं और एक बात कि मैं हमेशा इसे वीकली ब्लॉग रखने वाली हूँ, बिकॉज देखो लाइक नो लाइक हमेशा पूरा ब्लॉग करने के लाइक हमें स्पेस भी नहीं होता, टाइम भी नहीं होता है, तो कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए नहीं होता। तो या मैं बहुत बार यही कह रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद मुझे कंपटीशन इंटरव्यू जाना था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, बिकॉज मेरा फर्स्ट दिन था, तो फर्स्ट दिन का कंप्यूटर क्लास में सेकेंड दिन से अगर रिकॉर्ड हो पाए तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करके उस वीडियो क्लिप को भी यहाँ पे ऐड करूँगी। तो या एंड अगर आप लोग मुझे अपना फेवरेट सब्जी भी बता सकते हो, बिकॉज आई लाइक सब्जेक्ट, सो या यू कैन से मी, आप मुझे टॉपिक भी बता सकते हो, तो इसीलिए एंजॉय द ब्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड, बाय। हाँ, तो दिस वॉज अनदर डे वीडियो, फिर से एक अनदर डे है ये। तो यहाँ पे मैं उस दिन स्कूल नहीं थी बिकॉज माई हेल्थ इज़ नॉट
गोइंग वेल। तो मैं घर में ही रह के पढ़ाई कर रही थी और तब बज रहे थे आई गेस 9 और मैंने इसके आगे भी पढ़ा था बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं भूल चुकी थी। उसके बाद भी मैंने पढ़ा था इस वीडियो के बाद, तो इसके वीडियो के बाद मैंने साइंस पढ़ा था। सुबह उठ के मैंने बंगाली पढ़ा था और यहाँ पर साइंस पढ़ा था। साइंस के मैंने नोट्स भी बनाए हैं जो कि मैं रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही भूल चुकी हूँ। इसके भी नोट्स बना रही थी, उसके भी नोट्स बना रही थी, तो इसमें मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। आई डोंट नो बस मेरे कैमरे में स्पेस नहीं है और पढ़ाई के टाइम यू नो लाइक कुछ और डिस्ट्रैक्शंस करने से अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, इसलिए मैं भी ऐसे ही पढ़ रही थी। मैंने जस्ट कैमरा सेट किया और मैं पढ़ने बैठ के, मतलब मैंने अपना पानी का बोतल हाफ था उसे मैंने ख़त्म किया था। तो मैंने कितना पढ़ा था वो भी मैं रिकॉर्ड करना ही भूल चुकी हूँ। तो या मैं भी सनलाइट की धूप में पढ़ रही थी, तो हमारे बैलकनी नहीं है तो इसी वजह से ऑल टुडे बाय।